गाइज वेलकम बैक टू द सुधीर रिव्यू चैनल। आज मैं आ गया हूँ करोल बाग में आया हूँ साई कार एसेसरी पे। और आज अपने पास एक गाड़ी आई है, वो है फोर्ड की एंडेवर। तो फोर्ड की एंडेवर में कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन कराऊंगा जिससे गाड़ी का लुक काफ़ी बढ़िया निकल के आएगी। तो फटाफट से इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन दिखाते हैं और वीडियो के एंड में आपको इसमें क्या क्या काम हुआ है सब कुछ समराइज करके बताऊंगा और एक एक प्राइस क्लियर करूंगा कि ताकि आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपको मॉडिफिकेशन कराना होगा इस शॉप पे किस प्राइस पे करा सकते हो। और लास्ट में इस वीडियो में जिन भैया की गाड़ी है उनसे फीडबैक भी लूंगा। तो गाइज अगर आप वीडियो पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दो ताकि कार से रिलेटेड ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स ये है फोर्ड का फ्रंट ग्रिल, आप देख सकते हो। फ्रंट में बात करेंगे तो हम इसे चेंज करें फोर्ड का फ्रंट ग्रिल जो कि मस्टैंग स्टाइल में होने वाली है। तो दिखाना चाहूंगा कि ये वाले ग्रिल भी लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन जो यहां पर मॉडिफिकेशन कराया भाई ने वो फ्रंट ग्रिल को चेंज कराया मस्टैंग स्टाइल में, वो भी डीआरएल्स के साथ, वो भी मैट्रिक्स स्टाइल में, काफी बढ़िया है। और ये वाले देख लो गाइस एक बार ग्रिल, और अभी देखो मस्टैंग वाली काफी बढ़िया लग रही है। और गाइस साथ में इसके चेंज करें साइड वेंट्स जो कि पहले का साइड वेंट्स का एक लुक चेकआउट कर लो ताकि आप रिलेट कर पाओ। ये है पहले का साइड वेंट और जो अभी इंस्टॉल किया है वो भी है मस्टैंग स्टाइल में मैट्रिक्स इंडिकेटर के साथ। तो गाइस देख सकते हो, करीब से देखो कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा, ये लाइट जल रही है वाइट में। और आपको क्लोज से दिखाऊँ इसमें ब्लैक कार्बन फाइबर यूज किया जो कि काफ़ी बढ़िया लुक निकल के आई है। वहीं बात करें दूसरे एंड पे तो यहाँ पे विंडो गार्निश इंस्टॉल किया है जो कि क्रोम में है, इससे गाड़ी के कहीं ना कहीं लुक एनहांस हो जाती है। ये बैक साइड वाले डोर पे भी इंस्टॉल किया है, एक बार बैक साइड के डोर चेकआउट। तो जो नेक्स्ट मोड है गाइज वो पेडल लैंप चेंज करें जो कि हेलोजन वाली है, बहुत ही सिंपल वाली, और इसे चेंज करते हैं और इसमें लगाएंगे जो कि बढ़िया से फोर्ड के लोगो वाला आएगा। तो एक बार आप रिस्पॉन्स देख सकते हो पहले का जो कि बिल्कुल हेलोजन में येलो सा है, डल सा है। और इसको चेंज होने के बाद आपको लुक दिखाते हैं, बिल्कुल प्लग एंड प्ले आउट है, कहीं से वायर कटिंग का नहीं है। तो इसको चेंज कर रहे हैं लाल भाई चेंज करेंगे फोर्ड स्टाइल में। और ये देख सकते हो मैट्रिक्स में जल रहा साइड का जो साइड वेंट्स है वो काफ़ी बढ़िया लुक लगा है। साथ के साथ ये लुक चेकआउट कर लो आप। तो पेडल लैंप को इंस्टॉल होने के बाद आपको एक बार रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो इस पे लोगो आने लगा है, कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा, डे का टाइम है डे में। और देखो ये फोर्ड लिख के आएगा और पहले येलो में था और ये काफ़ी बढ़िया लुक निकल के आई है। तो इसको फाइनल इंस्टॉल होने के बाद आपको लुक चेकआउट कराता हूँ कि पेडल लैंप का रिस्पॉन्स कैसा आता है, पूरी गाड़ी का लुक एक बार दिखाएंगे आपको। तो गाइस पेडल लैंप के आप देख सकते हो लोगो, और ये नाइट में काफ़ी अच्छा इसका व्यू आएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्टिस कर पा रहे होगे कि फोर्ड का आएगा, जैसे अभी डोर ओपन होगी आप जब भी चढ़ना चाहोगे तो यहाँ पे फोर्ड का नीचे लाइट जलेगी और कुछ इस तरह से लिख जाएगा फोर्ड का। और इसमें लगाया है इसका फ्लैट जो कि एलईडी वाली है, चेक सकते हो वाइट में, और काफ़ी बढ़िया है। और ये भी मैट्रिक्स स्टाइल में है, जब आप डोर ओपन करोगे तो मैट्रिक्स में इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी वाइट में ग्लो हो रही है क्योंकि डोर ओपन है। तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया। आ जाओ आप इसको फ्रंट का लुक चेकआउट कराऊँ, फ्रंट में भी देख सकते हो काफ़ी साइज में बढ़िया और काफ़ी बढ़िया लग रहा है ब्लैक गाड़ी के साथ, एक ब्लैक में वाइट में है तो ओवर डिजाइन भी नहीं लग रहा, सिंपल और बेस्ट लुक आ रही है निकल के। तो ये अभी कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? फोल्डिंग लग रही है। अच्छा रिले लगा रहे हो ऑटो फोल्ड का, तो ये रिले लगा कौन सी कंपनी का रिले है ये? तो गाइस सिंपली बताऊँ, इस रिले के लगने के बाद अब जब भी आप कार को लॉक या अनलॉक करोगे तो आपकी जो ORVM है वो ऑटो फोल्ड हो जाएगा लॉक करोगे। तो एक बार इसको इंस्टॉल होने के बाद आपको लुक चेकआउट कराता हूँ, अब फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आपको अब ऑटो फोल्ड का रिले का रिस्पॉन्स चेक कराऊँ। गाइज देखो लॉक करने पर ये हो गया बंद और अनलॉक पर ये ओपन हो गया। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, कभी भी आप कार लॉक करते हो तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, और गाड़ी ओपन करोगे तो ये ऑटो ओपन हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स है जो कि आप रिले लगा के करा सकते हो। यहाँ पर चलते हैं रियर में, देखते हैं रियर से कुछ ऐसी देखती है अपनी इंडिवर, और रियर में देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा। तो पहले टेल लाइट को मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि नॉर्मल है वाली टेल लाइट थी, और इसको स्मोकी ग्रिल वाली टेल लाइट में लगाएंगे। तो आपको दिखा दें ये ओपन कर दिया है इसको इंस्टॉल करने के लिए, और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा ये कुछ ऐसी दिखती है। और इसमें इंस्टॉल करने के बाद अब आपको दिखाता हूँ ये लुक फाइनल लुक, तब जस्टिस कर पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया और कितना बढ़िया लुक निकल के आई है। और साथ के साथ आप नीचे की बात करोगे तो यहाँ इंस्टॉल किया मैट्रिक्स स्टाइल में रिफ्लेक्टर जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और गाइस इसमें रियर बम्पर स्टेप जो कवर आता है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, देख सकते हो इसको पुराने वाले को हटा दिया और ये वाली इंस्टॉल की जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। इस पर एंडेवर का बढ़िया सा लोगो है और काफ़ी अच्छा क्रोम में है, ब्लैक में, तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। एक बार इंस्टॉल होने के बाद फाइनल लुक आपको चेकआउट कराते हैं। फ्रेंड्स ये है फाइनल रियर का लुक, आप देख सकते हो
टेललाइट चेंज होने के बाद और ये रिफ्लेक्टर का रिस्पांस, और ये जो आपको टेललाइट दिखा रहा हूँ करीब से काफ़ी बढ़िया लुक निकल गई है। और रिफ्लेक्टर देख लो गाइस, ये दोनों मैट्रिक्स स्टाइल में है। और यहाँ बात करें डिगी क्रोम पे तो ये भी मैट्रिक्स स्टाइल में इंडिवर लिखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया लुक लगी। आप कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसे लगी फोर्ड का है ये इंडिवर। और वही बात करें कि बम्पर स्टेप कवर जो कि हमने दिखाया था वो भी चेंज किया है, ये भी क्रोम में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब आपको मैं फाइनल मॉडिफिकेशन के एक सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है फोर्ड इंडिवर। फाइनल जानते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है और फाइनल प्राइस क्या लगाया, तो भैया से फीडबैक भी लेंगे कि किस प्राइस पे और प्राइस से क्या काम से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो काम हुआ है साईं कार एक्सेसरी पे और ये है लाल भाई, तो लाल भाई से पहले जानेंगे। लाल भाई कैसे हो, क्या क्या काम हुआ है? सबसे पहले हमने जो मस्टैंग वाला ग्रिल है वो लगा है। इसके साथ इसमें एक फोर्ड लिखा हुआ भी अल्फाबेट ग्रिल आता है, क्योंकि भैया ने बोला आपने जो गाड़ी में मस्टैंग वाला लगा रखे थे तो मुझे भी मस्टैंग वाला ही दो, हमने मस्टैंग वाला ही दिया भैया को। तो ओवरऑल गाड़ी में क्या क्या काम हो गया है? ओवरऑल इसमें फ्रंट ग्रिल है, रियर गार्निश एलईडी है, साइड बेंच है, शैडो लाइट है, वेलकम प्लेट और टेल लाइट। ओवरऑल इतने मॉडिफिकेशन के क्या कॉस्ट आई है? इतने मॉडिफिकेशन कॉस्ट आया 60,000 रुपये। तो भैया से जानेंगे जिन भैया की गाड़ी है। भैया कैसे हो? बढ़िया भैया बढ़िया। तो भैया आपको इस शॉप पे काम करा के कैसे लगे, क्या काम में सेटिस्फेक्शन है? भैया बिल्कुल है सेटिस्फेक्शन। मैं सही बताऊं, मैंने कम से कम 14-15 वीडियो देखी यूट्यूब पे, तब जाके ये वीडियो मिली थी। मैं स्पेशली सर्च यही कर रहा था ऐसी शॉप जहाँ एंडेवर का काम हो जाए। एंडेवर का काम हो। एड्रेस क्या होगा लाल भाई? करोल बाग अब्दुल अजीज रोड साईं कार एक्सेसरी। फ्रेंड्स अगर वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर देना ताकि कार से रिलेटेड ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।